हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आज आपने मेरे थंबनेल में देखा है, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि हर्बल लाइफ शेक लेने के बाद भी हमें भूख क्यों लगती है, क्यों हमें खाना खाने के बाद भी हमें क्रेविंग की इच्छा होती है। ऐसे बहुत से आपके मन में डाउट्स होते होंगे जिनका मैं आज आपको जवाब देने वाला हूं और आज आपको बताने वाला हूं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। और अगर आप वो सॉल्यूशन अगर यूज नहीं करते हैं, अगर आपके रूटीन लाइफ में नहीं डालते हैं, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आज मैं वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ओके, ताकि जो भी मैं आप वीडियो बनाऊं हर्बल लाइफ रिलेटेड या फिर कोई भी फिटनेस रिलेटेड, तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। हमने हर्बल लाइफ लिया, आप लोगों ने हर्बल लाइफ लिया सॉरी, और आप ले रहे हैं, उसके बाद भी आपको एक तो क्रेविंग की इच्छा होती है। ठीक है, मेरे खुद के क्लाइंट भी हैं तो मेरे को बोलते हैं कि सर, मैंने हर्बल लाइफ लेने के बाद मुझे भूख लगती है, मैं कुछ भी खाना खा रही हूँ ना, मेरे को भूख लगती है। और उससे पता है होता क्या है, आपका वजन कम नहीं होता है। पता है आपको क्या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब पता है उसके बीच में हम करते क्या है, हम वहां पे क्या सीन करते हैं, जैसे हमने शेक लिया, हम कुछ खा रहे हैं तो हमें क्या लगता है, थोड़ा सा कुछ नमकीन खा लेते हैं, कुछ कुरकुरा खा लेते हैं, या फिर कुछ भी छोटा मोटा फ्राइड आइटम खा लेते हैं। अब उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपका वजन कभी कम नहीं हो सकता है, आपका वजन जितना है उतना ही रहेगा, आपका ब्लड शुगर लेवल में प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसी बहुत सी और भी प्रॉब्लम है जो आप ये गलती करते हैं तो आपको वहां दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो हम पता है वहां पे मिस क्या करते हैं, आपके हेल्थ कोच भी आपको बताते हैं, जब आप मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट में शेक लेते हैं और उसके बाद में आप लंच लेते हैं, तो उसके बीच में आपको एक स्नैक्स मील बताते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब आप वो स्नैक्स मील मिस करते हैं ना, तो आपको ये सारी प्रॉब्लम होती है। लेकिन हम वहां पे जो स्नैक्स मील है ना, हम वहां पे ऐड करते हैं, आप वहां पे क्या ऐड कर लेते हो कि कोई भी नमकीन, तला हुआ, भुना हुआ, इस टाइप के आप वहां पे जो स्नैक्स है वो आप ऐड कर लेते हो, बट कि जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वहां पे आपको क्या ऐड करना चाहिए वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, और एक जो होता है ना लंच वाला टाइम और एक डिनर वाला टाइम, उसके बीच में भी हम बहुत सारी गड़बड़ करते हैं। हम वहां पे कुछ भी जो सही अपने खाने की इच्छा होती है तो हमारे हाथ में वेपर्स, कुरकुरे, ये सारी चीजें आती है, तो वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान कर सकती है। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। हमें ध्यान रखना है कि हमें स्नैक्स मील में क्या ऐड करना है। देखिए, स्नैक्स मील के अंदर आप ऐड कर सकते हैं हेल्दी फूड्स, ऐड कर सकते हैं हेल्दी फैट, ऐड कर सकते हैं हेल्दी फैट मींस की जो आलमंड्स होता है, जो आप सैलेड लेते हैं, उसके बाद में आप नट्स लेते हैं, ठीक है, आप फ्लैक्सीड ले सकते हैं, टोटल जो जितने भी नर्स आते हैं उनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, अगर आप ये चीजें ऐड करते हैं ना, तो सबसे पहले आपको क्रेविंग की इच्छा नहीं होगी, आपको क्रेविंग जो होती है ना वो उसका पूरा बंद हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या होगा कि आपको जो भूख लगती है ना वो आपकी भूख खत्म हो जाएगी। और तीसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या होगा, जो आपकी बॉडी की सबसे जो मेन न्यूट्रिशन की जो कमी है ना वो उसको पूरा कर पाएगा। ठीक है, तो आपको इस चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये जैसे ही अपन ऐड करते रहे, सबसे बड़ा फायदा इसका पता क्या होता है, फर्स्ट बेनिफिट इसका होता है क्रेविंग कम करता है। अगर आप जैसे ही आप स्नैक्स ऐड करते हैं तो आपको जो होता है ना बार बार भूख लगना, वो चीज आपकी खत्म हो जाएगी। और दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा पता क्या है कि अगर आप इसमें अगर लापरवाही करते हैं, अगर आप वो चीजें ऐड नहीं करते, तो वो आप असर का पड़ेगा, आपका मेटाबॉलिक सिस्टम आपका बिगड़ेगा। ठीक है, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना। अगर आप चाहें कि आपका मेटाबॉलिक सिस्टम लो नहीं हो, हाइट मतलब नॉर्मल पे रहे, तो आपको बेस्ट है, आपको सबसे मेन चीज आपको स्नैक्स ऐड करना ही पड़ेगा। अगर आप स्नैक्स ऐड नहीं करेंगे तो फिर आपका जो ये आपका जो क्रेविंग है ये होना बंद नहीं करेगा। ठीक है, तो मैंने बताया आपको क्रेविंग में क्या क्या ऐड कर सकते हैं आप। दूसरा मैं यहाँ पे बात करूंगा कि ये आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। मोस्टली मैं उनकी बात करूंगा जो डायबिटीज पेशेंट है, अगर कोई डायबिटीज पेशेंट है तो आप वहां पे स्नैक्स को ऐड करें, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है स्नैक्स में। आप है ना लॉन्ग टाइम तक भूखा नहीं रह सकते, आप ब्रेकफास्ट करने के बाद डायरेक्ट लंच नहीं कर सकते, वहां पे आपको स्नैक्स मील यानी कि हेल्दी फैट की नीड होती है। ठीक है, हेल्दी फैट में जैसे नट्स और ये सब मैंने बता रहा हूँ। ठीक है, और दूसरा जिसको डायबिटीज नहीं है, जिसका ब्लड शुगर लेवल उसको मेंटेन रखना है, उसको हाई नहीं जाना, तो भी आप उस चीज को ऐड करें, स्नैक्स को ऐड करें। ठीक है, तो आप ऐसी लापरवाही मत करो। अगर आपको दिक्कत हो रही है, आपका ब्लड शुगर लेवल हाई हो रहा है, तो आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करने के लिए आपको स्नैक्स मील ऐड करनी है। स्नैक्स मील हम दो टाइम ले सकते हैं, मैंने आपको बताया था, एक तो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में ऑलमोस्ट 11 बजे के आसपास, और एक आपका आफ्टरनून से डिनर के बीच में, छोटी छोटी मील जो भी आप लेना चाहते हैं। ठीक है, बट हेल्दी फैट्स। ओके,
तीसरा यहाँ पे ये आपके वेट को कंट्रोल करता है। बहुत बार इश्यू होता है ना कि हमने हर्बल लाइफ ले लिया, शेक ले लिया, उसके बाद भी आपका वेट बढ़ मतलब कम नहीं हो रहा है, तो ये सबसे मेन चीज है। आप स्नैक्स ऐड करते हैं तो क्या होता है, आपके वेट को ये कंट्रोल करता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि ऑफिस वाले लोग होते हैं वो फ्री होते हैं, जैसे फिर मतलब सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं और अगर डायरेक्ट फिर लंच करते हैं तो जैसे वो टूट पड़ते हैं खाने के ऊपर, मतलब 3-4 रोटी दबा कर मतलब आप कार्ब इंटेक कर लेते हो, जिससे क्या होगा आपको डायरेक्ट आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ने के चांस होते हैं और उसके बाद क्या होता है कि आपको एनर्जी लेवल आपका डाउन होने लगता है और आपका वेट धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो इससे क्या होगा, अगर आप स्नैक्स में ऐड करते हो तो आपको भूख नहीं लगेगी, लॉन्ग टाइम तक एनर्जी भी रहेगी और आपका वेट जो है वो कंट्रोल भी रहेगा। ओके, चौथा मैं यहाँ पे बात करूंगा आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है। प्रोडक्टिविटी मीन्स कैसे कि जैसे देखिए आप लैपटॉप पे भी काम करना तो भी आपकी एनर्जी वहां पे बर्न होती है, ठीक है। तो बहुत ऐसा भी होता होगा कि आपके केस में आपको ये जो लैपटॉप पे सिटिंग वर्क है, तो आपने उस समय क्या करना है, आप एक बाउल नॉर्मल आप आलमंड्स ले सकते हैं, कोई भी हेल्दी नट्स लेंगे ना तो वो डायरेक्ट आपके ब्रेन को एक्टिवेट करेगा। जब आपके ब्रेन को एक्टिवेट करेगा तो आपको एनर्जी अच्छी मिलेगी और ना आपको क्रेविंग और ये सारी चीजें होने के आपके चांस कम हो सकते हैं, ठीक है। तो आपकी इम्प्रूव जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो उसको इम्प्रूव करेगा। ओके, और जो लास्ट जो पॉइंट है मैंने आपको बताया था कि ये न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करेगा। जो आपकी बॉडी के अंदर जो मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिंस, ये सारी जो आप ब्रेकफास्ट और डिनर लंच में आप कंप्लीट नहीं कर पाते, तो ये छोटी छोटी स्नैक्स के थ्रू आप है ना, स्नैक्स के थ्रू आप मतलब जो आपका टाइम होता है 11 बजे का और शाम को 4-5 बजे का, उसमें आप कंप्लीट कर सकते हैं। वहां पे आप हेल्दी न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन, मैक्रोज, जो प्रोटीन छोटे छोटे प्रोटीन्स होते हैं, मतलब जो प्रोटीन्स होते हैं सॉरी छोटे छोटे नहीं प्रोटीन्स होते हैं, हेल्दी फैट्स होता है, वहां पे आप उसको ऐड कर सकते हैं, लाइक पीनट बटर, लाइक आलमंड्स, फ्लैक्स सीड्स, बहुत से ऐसे नट्स होते हैं, या सलाद ले सकते हैं या फिर लो कैलोरी फ्रूट्स ले सकते हैं, इस टाइप के आपको वहां पे ऐड करना, जिससे आपको क्या होगा जो आपकी न्यूट्रिशन की कमी है वो पूरी होगी। इसलिए बहुत से केस में ऐसा होता है कि अगर वो चीजें ये ऐड नहीं करते हैं तो बहुत से केसेस में ज्यादातर क्या होता है कि उनका वेट बढ़ने लग जाता है, क्रेविंग बहुत ज्यादा ये होती है और ब्लड शुगर लेवल भी उनका हाई हो जाता है। तो आप भी चेक करें क्या आप ये गलती कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं मेरे क्लाइंट से जब बात करता तो उन्होंने ये बोला कि सर मुझे है ना मेरा वेट मैंने 8 दिनों बहुत अच्छे से कम कर लिया था, बट बाद में क्या हुआ कि मुझे बस थोड़ी थोड़ी भूख लगने लग जाती तो मैं बीच बीच में हर कुछ खा लेती। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने आज ये वीडियो पे आपको एक्सप्लेन किया है कि आप भी अगर ये गलती कर रहे हैं हर्बल लाइफ शेक लेने के बाद में, तो आप इस गलती को बंद करें। अगर आप इस गलती को अगर मतलब नजरअंदाज करेंगे तो बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप इस गलती को थोड़ा सा ध्यान में रख के इसको सुधार करेंगे तो 110% मैं गारंटी लेता हूं कि आपका रिजल्ट 100% आएगा और आपका जो फिजिक है, आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उसमें भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा। और आपका जो डायबिटीज की जिसको प्रॉब्लम होती है वो अगर ऐड करते तो उनके डायबिटीज का जो ब्लड शुगर लेवल है उसको भी बहुत ज्यादा मेंटेन करेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही था। ओके, और भी अगर इसके बारे में आपको डिटेल में जानना हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे नंबर दे रखे हैं, वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं जहाँ पे मैं आपके अच्छे से हेल्प कर पाऊँ। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो जाननी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं बहुत जल्दी आपके सामने वो वीडियो लेकर के आऊँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।